मेरे प्यासी यूट्यूब फैमिली कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूंगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने वीडियो को कर दे डबल वॉच और चैनल को कर दे रहे सब्सक्राइब। तो काफ़ी दिनों का मैंने आप लोग के साथ वेदर वगैरह शेयर किए थे, उस वक्त ज़रा छोटे छोटे पीते थे और अभी जरा माशाल्लाह से ये बड़े हो चुके हैं, तो अभी जाना इनको तोड़ने का वक्त आ गया। ये नहीं तोड़ो बेटा, ये छोटा है। जो बड़े बड़े हैं ना वो तोड़ना, और ज्यादा बड़े हो जाए ना तो इसमें कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं। इन वाले पौधों पर भी लग रहे हैं, उस वालों पे नहीं लग रहे। अच्छा, ये पुराने पौधे हैं ना। कैंची से आराम से काटे जा रहे हैं ना इजीली। हाथ से तोड़ते हैं ना तो पौधा खींचा चला जाता है। चाचू कहते हाथ से भी खींचा करो। बस इसमें खत्म हो गए बेटा। ये है ना, ये तोड़ ले। कोई मुझे नजर नहीं आ रहा, तोड़ ले। ये छोटे हैं बहुत ही ज्यादा, मुझे कीड़ा लग जाएगा ऐसे, बच्चे तोड़ लेंगे। चलो ठीक है, कीड़ा लग चुका है। सालन तो बन जाएगी। और ये जो इसके पीछे जो है ना भिंडी लगी हुई है, वो भी जो है ना कुछ कुछ भिंडी है, फूल उठा रही है, पता नहीं। ये बीज जो है ना बिल्कुल ही सही नहीं है। और मैंने जब बीज खरीदने गया था, उन्होंने बोला एक जो होता है छोटी सी पैदा होती है जड़ से, जो है ना भिंडी लगना शुरू हो जाते। एक भिंडी होती है बड़ी हो जाती है पाँव के बराबर, तो जब जाके अपना जो है ना भिंडी लगती है। लाइन में जो है ना चार बैंगन लगे हुए हैं छोटे छोटे से, दो बड़े हैं दो छोटे हैं। तो बड़े वाले तोड़ लो, भी छोटे वाले जो ना रहने। बेटा इनको खाद और पानी लगा है, इसको काली वाली वो जो केरी दो ना, हाँ। उससे ज़्यादा फिर तेज़ी से और बढ़ेंगे। तुम लोग केरी नहीं दे रहे ना, केरी उठा के फेंक देते हो। तो अकबर खान ने कहा था कि इनको जो है ना केरी दो, ये समझो काली खाद है। और उस तरह वाली भिंडी को भी दी थी, वो कितनी बड़ी हो गई है। अब निकालो भिंडियों में डाल देते, माशाल्लाह फूल क्या ये लगी हुई है। ये जो है ना ये रवा है, नहीं ये रवा है, ये फूल है। हाँ ये वाले फूल है। तो माशाल्लाह आधा किलो या तीन पाव तो हैं तकरीबन। ये देखें ना अपनी सब्जी की बात ही अलग है। जी बिल्कुल बिल्कुल ताज़ा फ्रेश। कल रात को जो है ना बहुत तेज तूफान था, जिसकी वजह से जो ना काफ़ी हद तक हमारा जो घर वाला आम हो गया चाची के घर पे जो है वो गिरा है। तो अभी उस आम को भी चुन के इसको भी काट के छत के पर सूखने के लिए डाला है। और जो आम हमने पहले जो ना सूखने के लिए डाले थे, अभी उसको भी छत से हमने नीचे उतारना है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बनी हुई है। सब कह रहे हैं कि जब बारिश होगी ना तो फिर बस अल्लाह ही मालिक है। तो अभी अम्मी कह रही है कि वो आम वगैरह जो ना सूख गए, तो तुम आम जो है ना टाइम पर जो है नीचे उतार लो। तो अभी जा रही हूँ अम्मी के पास। अम्मी जो है ना आ गई हैं मामू लोगों के खेतों से जानवरों के लिए जो है ना चारा वगैरह करने के लिए, क्योंकि आपको पता है हमारा जो है ना जानवरों के लिए चारा वगैरह बहुत ज़्यादा कम है। अभी पीछे थोड़ा बहुत सही हमारा चारा वगैरह रह गया, तो डेली के प्रोसेस में अम्मी जाती हैं चारा वगैरह करके आती है जानवरों के लिए। अभी अम्मी गई हुई हैं तो अम्मी के पास चलते हैं, और फिर हो सका तो खाला को बुलाऊँगी, फिर मैं और खाला मिल के जो है ना छत के ऊपर से आम वगैरह नीचे उतारेंगे। और अभी तक मौसम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बना हुआ है, बारिश इतनी कोई बनी हुई है। बस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अभी तक हमारे दरख्त वगैरह गिरे पड़े हैं, और ये देखिए बादल कोई कितने खतरनाक बने हैं। रात सा रात हमें इन किकरों का डर लगा रहा है कि कहीं ये ना ऊपर आ गिरे। और ये जो है ना अब चाची की छत के ऊपर बिल्कुल ये बड़े वाले किकर जो है ना सो गए हैं छाती की छत के ऊपर। पहले फिर भी थोड़े बहुत से अड़ान थी इसकी, अब बिल्कुल जो हवा आई है ना उसकी वजह से चाची के छत के ऊपर जा गिरे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे लिए जानवरों को बांधने के लिए और तो कोई जगह थी नहीं, तो यहाँ पर जो है ना छाव भी होती थी और जानवर जो है ना हमारे सेफ होते थे, घर के पास ही होते थे, यहाँ से निकल के जानवरों को हम देख लेते थे। और अभी यहाँ पे भी ये देखिए सारे दरख्त वगैरह गिरे पड़े, अभी जानवरों को जो है ना यहाँ पे बांधते हैं, लेकिन यहाँ पे भी फिर धूप हो जाती है, फिर जो है जानवरों की जगह चेंज करनी पड़ती है। तो भी घास वगैरह कर रहे हैं गाय के लिए, और साथ साथ मौसम भी इंजॉय कर रही है। जी अम्मी, आपकी भाभी भी कह रही है ना बहुत एंजॉय कर रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं बोल रही? तो बेटा बोल तो दिया है भाभी, मैं क्या बोलूं। रोजाना शदीद गर्मी में घास करता है, आज देखें अल्लाह ताला की रहमत आप लोगों के सर के ऊपर है, इतना प्यारा मौसम बना हुआ है। टमाटर ये देखिए
काफी हद तक लगे हुए। ये रही सावित्री है, ये सारी सब्जी मेरे मामू ने लगाई हुई है। ये कांटे के ऊपर जो पड़ा हुआ है इसको कहते हैं चप्पड़ कद्दू। मामू लोगों की छोटी सी हरदाल है, ये देखिए इसने दाने भी पड़े हुए। ये देखिए दरख्त के ऊपर पता नहीं कौन सा परिंदा बैठा हुआ है सामने। फिर उन आम को लेके फिर चीरेंगे और हवा देखे माशाल्लाह कितनी कोई अच्छी चल रही है। रात को इतनी ठंड लग रही थी ना, सब जल्दी सो गए थे, तो अभी चलते हैं। ये देखिए आम जो है ना बिल्कुल ही अच्छी तरह सूख चुके हैं। आम जो है ना सारे खट्टा किए क्योंकि सारे आम जो है ना छत के ऊपर फैले हुए थे। इनको काटे फिर डाले फिर उठाए फिर बेचे, पता नहीं गिनती कितने की है। सुखाने के लिए भी मुश्किल होती है, डेली के प्रोसेस पे इसको हाथ जरा फैलाना पड़ता है ताकि फैले जल्दी सूखे। ये इतना सा गुठला हुआ है, ये देखिए अभी गुठला वगैरह बांध के जरा इसके नीचे डालेंगे। भी नीचे डाल दिया, अभी हम भी नीचे चलते हैं। चाची ये देखिए कांटे वगैरह साइड पे कर रही है। ये देखिए कितने बड़े बड़े आम हमारे गिर गए हैं, ये पक जाते तो कितना अच्छा होता। चाची साइकिल चला रही है। जी दरख्त घर पे फायदा देता है या नुकसान? नुकसान है सारा, दिखाने सारे। रात पता है क्या, चाची के पास सारे आम गिर रहे थे, हम आए हम खुद भी एक साइड पे, चाची ने उस साइड पे वो देखे चारपाई डाली हुई थी। लेकिन छांव भी तो होती है, हाँ आंधी में तो बहुत नुकसान होता है। हमारे घर पे कोई दरख्त दिया उसके बाद भी तरह कोई कचरा होता है यहाँ पे। ये देखिए चाची सुबह से ये सारा कचरा सफाई कर रही है, और रात को जब चाची के ऊपर आप गिर रहे थे ना मोटे मोटे, यहाँ से बट्ठल वगैरह उठाते हैं, आम वगैरह चुनते हैं। माशाल्लाह से हमारा भी आम बड़ा होने लगा है, फिर इसके भी पत्ते गिरेंगे, फिर हमें भी सफाई करनी पड़ेगी। वो वाला अभी तक वहीं पे रुका हुआ है। ये देखिए इतनी ज़ोर से कोई आम गिरे, सारे आम ये देखिए फट गए हैं, चीरने की ज़रूरत ही नहीं है इनको। रात इससे भी मोटे मोटे आम नीचे गिरे, इतने से आम निकले, बाकी आम बच्चों ने चुन लिए, ये भी सारे फटे हुए हैं। जो है ना अम्मी घास वगैरह करके आ गई हैं, तो इसी के साथ हमें दे इजाज़त। इंशाल्लाह ताला शाम को मिलेंगे न्यू व्लॉग में, दुआ में रखना याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।